हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कल सरकार ने क्लेम किया था कि जो ऑक्सीजन स्कार्सिटी है, ऑक्सीजन की कमी से डेथ्स नहीं हुई है, उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो एक्सपर्ट्स ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि गवर्नमेंट ने जो दावा किया है ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ हुई है इज़ अपैलिंग, है ना। अपैलिंग का मतलब क्या है? एक भयावह है, डरावनापूर्ण है ना, भय उत्पन्न करने वाला है, सेज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ्स नहीं हुए, वो काफ़ी, है ना, मीन्स संदेहास्पद है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही में सब हेडलाइन में बोला गया कि कोविड-19 डेथ्स का सर्टिफिकेशन डज नॉट रिकॉर्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेज एपिडेमोलॉजिस्ट, है ना। कि कहना क्या चाहते हैं कि जो कोविड-19 के जो डेथ सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और ये कौन कह रहा है ना, एपिडेमोलॉजिस्ट कह रहे हैं। एपिडेमोलॉजिस्ट का ये मानना है, वो ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि जो 10 PMs, मतलब एक इसकी बात कर रहे हैं, पेगासस की बात कर रहे हैं। कल हमने इसके ऊपर डिटेल वे में चर्चा की है। अगर आप पेगासस के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, है ना, तो कल आप कल वाला सेशन देख सकते हैं। कल हमने आर्टिकल भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो 10 PMs मतलब 10 प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, WHO चीफ्स का जो स्टाफर था, मतलब पूरा वो, और टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं टारगेटेड, उनको टारगेट में लिया गया था किसके, है ना, जो पेगासस है उसके। बोला गया कि मैक्रोन, है ना, रैम्पोशा और पावल दुरोव वर ऑन पेगासस लिस्ट, है ना। ये सारे के सारे पेगासस की लिस्ट में थे। मतलब पेगासस क्या है? एक एडवांस्ड स्पाईवेयर है ना, जो कि एक प्रकार है किसका, मालवेयर का, जो फ़ोन में घुस करके क्या करता है, एक व्हाट्सएप से मिस्ड कॉल आती है, फिर वो मिस कॉल को ख़त्म भी कर देता है, कॉल लॉग भी ख़त्म कर देता है ताकि किसी को पता ना चले जो फ़ोन चला रहे, फिर अपना वो काम स्टार्ट करता है, फ़ोन को डैमेज करता है, इंफॉर्मेशन चुराता है, ये सब सारे काम करता है। और इसी के चलते ममता बनर्जी जी ने क्या बोला है ना, कि सब जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक साथ एकजुट होना चाहिए, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, है ना, और जाना चाहिए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो ये उन्होंने बोला है। अगर आगे हम बात करें तो एक स्टडी में ये बोला गया है साथ ही में कि जो पैंडमिक आई है, तो पैंडमिक ने बहुत नुकसान किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि 1.2 लाख इंडियन चिल्ड्रन लॉस्ट केयर गिवर्स। स्टडी एक ये बताती है, अध्ययन एक ये बताता है कि 1,20,000 जो इंडियन बच्चे हैं उन्होंने अपने केयर गिवर्स, मतलब जो उनका ध्यान रखते थे, उनको उन्होंने खो दिया, चाहे वो दोनों पेरेंट्स हों, चाहे वो एक पेरेंट्स हों, या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हों जो उनकी सुरक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनको उन्होंने खो दिया है। और ये डेटा अलग अलग तरह से आया है सब कंट्रीज से, है ना। तो ये भी काफ़ी दुखद न्यूज़ है। तो बेसिक आज न्यूज़ यही हमारी थी, है ना। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है फ्लड, और कहाँ के फ्लड को लेकर के चर्चा की गई है, ये हम बात कर रहे हैं मुंबई की, है ना। तो मुंबई में अभी हाल ही में देखा हमने कि बहुत लोगों की डेथ हुई है ना, लगभग 30 से 32 लोग की जान अब तक जा चुकी है, किसको, फ्लड को लेकर के। ये जो रिवाइवल हुआ है किसका, मानसून का, है ना, कि मानसून जो फिर से आया है, इसी के चलते ये समस्या खड़ी हुई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की, तो स्पेशली अगर हम मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में जो जलवायु है वो है कॉन्टिनेंटल, है ना, मॉडरेट है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। तो मॉडरेट का मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना तो ज़्यादा सर्दी होगी, है ना, कोल्ड होगा, बीच का रहेगा, और इसी को बोल देते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल। है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं क्या, क्लाइमेट यहाँ की क्या है, कॉन्टिनेंटल रहती है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हल्का सा भी धूप होती तो उमस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्रता जो है वो बहुत ज़्यादा उमस होने लगती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं, डीलिंग विद डिनायल, है ना, किसके साथ डील करना, सॉरी, दिस इज़ नॉट द डिस्कशन टॉपिक, एक्चुअली सेकंड वाला है ना, वही, यस, नाउ दिस वन, है ना, डीलिंग विद डिनायल, तो हमारा कोरोना को लेके था, है ना, तो हम आज वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यस, यस,
हियर वी गो। चलिए शुरू करते हैं ना। लिखा है कि वाटर एज वो, है ना। अब वो का मतलब क्या होता है, वो जब आप किसी को दुख हो, पीड़ा हो, है ना, संताप हो, है ना, बहुत ज़्यादा जब शोक मनाता है तब तो उसको ये इस वर्ड का वो इस्तेमाल करता है ना। तो कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि वाटर एज वो, तो वाटर किसके रूप में, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, मतलब हमारे लिए जो समस्या पैदा कर रहा है उस रूप में इसको ये बोला जा रहा है ना। तो हम जानते हैं इंडिया में हमेशा के एक आयरनी देखने को मिलती है, एक तरफ वाटर की कमी हमको देखने को मिलती है और एक तरफ कहीं पर क्या है कि एकदम फ्लड है, बाढ़ ही आई हुई है, तो दोनों सिचुएशन हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि पानी लेकिन किस रूप में, समस्या के रूप में, है ना, जहाँ पर भर जा रहा है उसकी बात करें। करें मुंबई कैन नॉट मैनेज इट्स फ्लडिंग विदाउट अ न्यू डील फॉर ड्रेनेज एंड हाउसिंग, है ना। तो मुंबई जो है वो क्या नहीं कर सकता है, मुंबई की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं, है ना, कि मुंबई क्या है, मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब अच्छे से काम को नहीं निपटा सकता है। कौन सा काम, इट्स फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब यहाँ पर जो पानी भर जा रहा है वो, है ना, विदाउट, किसके बगैर, न्यू डील मतलब नई चीज़ को हम लेकर के, नई डील को लेकर गए, किसको लेकर के, नया प्रोजेक्ट हो, नया सिस्टम हो, किसको लेकर के, ड्रेनेज नालियों को लेकर के, नाली नाले जो हैं, और हाउसिंग को लेकर के, कि जो नए घर जो प्लांट तरीके से बनाए जाए। अब पूरे का मतलब समझो, कह रहे कि मुंबई, है ना, कि अगर अपने ड्रेनेज जो है नाली नाला संबंधी यानी सीवेज सिस्टम सही नहीं करता है और हाउसिंग सिस्टम सही नहीं करता है तो ये फ्लड को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि है ना कि फ्लड का पानी, फ्लडिंग जो हो रही है, बाढ़ इकट्ठा हो जा रही है ना, उसको बाहर कैसे निकालेंगे जब हमारी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होंगी। तो अब जैसे प्रयागराज की बात कर लो, है ना, तो प्रयागराज में क्या है कि जब पहले साल जब स्मार्ट सिटी को लेकर के काम चल रहा था तो सब कंस्ट्रक्शन हुआ लेकिन नाली का ध्यान रखा ही नहीं गया, इस वजह से पूरी जगह क्या भर गया, पानी। तो अब क्या बनाया जा रहा है, बड़ा सा नाला बनाया जा रहा है ना, तो शहर के बीचों बीच निकाला जा रहा है। तो ये आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा। द रिवाइवल ऑफ मानसून हैज़ ओवरवेल्म्ड मुंबई एंड इट्स सब अर्ब्स वंस अगेन, पैरालाइजिंग लाइफ, डिसरप्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड क्या है, एक्सपोजिंग द पैरलस स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो कह रहे हैं कि द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है फिर से आना, पुनः लौट करके आना, क्या, मानसून का, है ना। अब यहाँ से देखो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है कि ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के पहले वाला जितना पोर्शन है द रिवाइवल, ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ ये मानसून नहीं मानेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद कई बार प्लुरल फॉर्म में दिया जाता है और एग्जाम में क्या करता है उसी के हिसाब से वर्ब लगा देता है जो कि हो जाता है गलत, वही आपको सही करना होता है ना। तो रिवाइवल ऑफ मानसून हैज़, है ना, तो जो मानसून का दोबारा आना है, क्या, ओवरवेल्म्ड, है ना, तो ओवरवेल्म का मतलब बहुत कई सारे सेंस में लिया जाता है ना। यहाँ पर इसका मतलब है जल प्लावित कर देना, जल से भर देना, है ना, पानी से भर देना। तो दोबारा मानसून का आना इसने क्या कर दिया, पूरे जल से भर दिया, मतलब पानी भर गया कहाँ, मुंबई में और इसके सबर्ब्स में। सबर्ब्स मतलब कि जो जहाँ पर मुंबई ख़त्म होने लगता है तो आखिरी में, मतलब जगो गांव वाला जो एरिया पड़ जाता है, सबर्ब्स बोलते हैं इसको, है ना, कि वहाँ पर क्या करना, पानी इकट्ठा हो गया इसके आउटस्कर्ट्स में ना, बाहरी इलाकों में, है ना, वहाँ पर। वंस अगेन, एक बार फिर से, मतलब इसके पहले भी भर रहा है, तो ये हम सभी जानते हैं मुंबई में बाढ़ आती है। पैरालाइजिंग, और इसने क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया लाइफ को, मतलब पंगु बना दिया, हम कहीं जा नहीं पा रहे, फिर रहे, चल नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि जो पानी भरा है सभी के, तो, है ना। डिसरप्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, और डिसरप्टिंग का मतलब गड़बड़ कर दे रहा है, विघ्न बाधा पहुंचा रहा है, किसमें, कि ड्रिंकिंग सप्लाईज में पीने के लिए पानी, जब भाई नालियाँ ही नहीं सही रहेंगी, वाटर सिस्टम ही नहीं सही रहेगा तो पानी कैसे पियेंगे, बाढ़ भर पानी भर जाएगा वहाँ पर, है ना। और क्या है, एक्सपोजिंग, और ये क्या कर रहा है, खुलासा कर रहा है, क्या, पैरलस स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पैरलस का मतलब क्या होता है कि संकटपूर्ण, जो समस्यापूर्ण है, क्या, स्टेट, स्थिति, है ना, ऑफ इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसके, इट का मतलब इट किसकी बोल रहे हैं, जो मुंबई है ना, उसकी जो स्थिति है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, उसका एक खुलासा कर रहा है ना, ये जो बाढ़ आ जा रही है ये बता रही है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इट इज़ क्लियर, ये साफ है, द वॉल्यूम मतलब भारी मात्रा में जो, मतलब आयतन जो है पानी का, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन आर टर्निंग अनप्रडिक्टेबल। अनप्रडिक्टेबल का प्रडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जिसके बारे में हम गेस कर पाते हैं। अनप्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल, ये अन लग गया क्या, प्रेफिक्स,
मीनिंग निकाल देगा नॉट वाली, है ना, तो मतलब जिसके बारे में हम गेस नहीं कर पाते हैं, जिसके बारे में बता नहीं पाते हैं कुछ भी। तो करें कि अब ये साफ हो गया है कि कितनी बारिश होगी, है ना, और कितने समय बाद होगी, इसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी हमारी हो रही है गलत, हम सही बता नहीं पा रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम हो रही है, अनप्रडिक्टेबल है। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब एक समय अंतराल पर लगातार जब होती है, समय अंतराल के बाद इस समय पर हुई, फिर रुक रुक के जब होती है, तो उसी को इंटरमिटेंट बोलते हैं। टॉरेंट्स, टॉरेंट्स बोला जाता है मूसलाधार बारिश, है ना, तो या जो धारा होती है उसको भी बोलते हैं। तो करें जो लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है ना, विद क्रिपलिंग इम्पैक्ट्स ऑन सिटीज़। क्रिपलिंग कैसा, बहुत ही खराब, क्रिपलिंग बेसिकली क्रिपल होता है, क्रिपल का मतलब होता है क्रिपलिंग, रेंगने, जो रेंग करके चलता है उसको बोलते हैं, है ना, और पंगू जो होता है, तो इसका जो बड़ा ही ख़राब इम्पैक्ट है सिटीज़ के ऊपर, है ना, विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट, है ना, और ये क्या बनेगा, और भी ज़्यादा बार बार होने लगेगा, मतलब ये प्रभाव हमको बार बार देखने को मिलेगा। फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार कोई जब कोई चीज़ होती तब उसको हम फ्रिक्वेंट बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंसी से बना हुआ है, इसी से वर्ड बना हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या बोला गया कि फ्रिक्वेंट के बाद में बोला गया कि इन्फ्लुएंस्ड बाय वार्मिंग क्लाइमेट, है ना, और किससे प्रभावित होगा ये वार्मिंग है ना, वार्मिंग क्लाइमेट का मतलब गर्म होना क्लाइमेट का, भाई सिंपल है, जब पानी भरेगा, है ना, एक तो बगल में क्या समुद्र भी है, तो वहाँ से क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है तो भाप बनता है, भाप बनता है तो क्या ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उमस होगी, रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो क्लाइमेट हो जाएगी गर्म, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। करें कि स्ट्रेंथनिंग दैट थियरी, है ना, कि स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूत करना, क्या थियरी को, किस थियरी को, प्रिंस सिद्धांत को, थ्री वेदर स्टेशन इन मुंबई, जो तीन स्टेशन है मुंबई में, है ना, वेदर स्टेशन मतलब मौसम विभाग वाले तीन स्टेशन है मुंबई में, रिकॉर्डेड, इन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया, क्या स्टैगरिंग लेवल ऑफ रेनफॉल इन वन वीक, है ना, स्टैगरिंग आश्चर्यपूर्ण वाली, है ना, वही तो स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यपूर्ण वाली मतलब अचंभे में डाल देने वाली जो लेवल हुआ है ना, इस तरह पानी का देखने को मिला वन वीक में, है ना, कि फ्रॉम 13 जुलाई, 13 जुलाई से लेकर के, है ना, आगे रेंजिंग कह रहे हैं कि 13 जुलाई को रेंजिंग फ्रॉम 620 मिलीमीटर इन महालक्ष्मी टू 958.5 मिलीमीटर इन, है ना, सांता क्रूज, मतलब कह रहे हैं कि जो बारिश की जो बता रहे हैं कि कितनी दर से हुई है, तो 628 मिलीमीटर कहाँ हुई, महालक्ष्मी में हुई है, और 958.5 मिलीलीटर कहाँ हुई, मिलीमीटर, बार बार लीटर निकल जा रहा है ना, मिलीमीटर कहाँ हुई है, सांता क्रूज में हुई है ना। द लैक्टर एक्सपीरियंसिंग अ पीक ऑफ 234.9 मिलीमीटर, है ना, ऑन जुलाई 18। तो करके जो बाद वाला, देखो द लैटर का इस्तेमाल इन्होंने किया, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फॉर्मर, क्या होता है फॉर्मर ही, है ना, ये इसका मतलब होता है पहले वाला, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लैटर, इसका मतलब बाद वाला। दो चीज़ें बताई, महालक्ष्मी और सांता क्रूज, तो ये बात कर रहे हैं सांता क्रूज की, है ना, जो बाद वाला होता है, ये एग्जाम में खूब पूछता है कि लैटर के पहले दा लगेगा, कि लैटर का यहाँ पर मतलब क्या, बाद वाला, लेटर का मतलब बाद में होता है ना, LATR। तो कह रहे जो बाद वाला है, यानी कि सांता क्रूज जो है इसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, जो पीक कितनी 234.9, है ना, कि मिलीमीटर की जो बारिश उसको जुलाई में 18 जुलाई को देखने को मिली, है ना। कह रहे हैं कि द इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब वही जल भराव, बारिश का बढ़ना, है ना, उसकी ये बात कर रहे हैं, जो इनंडेशन हुआ है, जल भराव हो गया, बाढ़ आ गई है ना, जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, द इनंडेशन हैज टेकन अ टोल ऑफ एटलीस्ट 32 लाइफ्स, है ना, कि जो जो बाढ़ आई है ना, इसने ले ली है जान की टोल, डेथ टोल की बात कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या बता रहे हैं कि एटलीस्ट 32 लाइफ्स, मतलब 32 लोगों की जान गई है अब तक, है ना, हाँ, एंड द मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स डाइड इन लैंडस्लाइड्स, और मेजोरिटी जो बहुमत है, ज़्यादातर जो लोग मरे हैं, जो विक्टिम हैं मरने वाले, वो लैंडस्लाइड से हैं, भूस्खलन हुआ है, मतलब कि बारिश हुई, मिट्टी खिसक करके नीचे आ गई है ना। दैट क्रश्ड, क्रश्ड का मतलब एकदम कुचल देना, देयर स्लम, स्लम का मतलब होता है जो जो झोपड़ पट्टी होती है, जैसे हम जानते हैं मुंबई में धारावी, है ना, यूरोप अगर बात करें, एशिया की सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, यहाँ पर लोग रहते हैं, हाउस, स्लम हाउसेस को, एट कहाँ पर, मेहुल, है ना, चेंबूर में, मेहुल चेंबूर में उनके घरों को क्रश कर दिया किसने, लैंडस्लाइड ने।
दीज डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, मतलब कि जो निराशा भरी जो डेथ्स हैं, निराशा वाली जो डेथ्स हैं, रिकर 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 का मतलब बार बार होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल होती हैं ये, है ना, देखने को मिलती हैं। सून टू बी फॉरगॉटन इन फेयर वेदर इन सिटी दैट प्राइड्स इट सेल्फ ऑन इट्स एंटरप्राइज रेजिलियंस, है ना, कह रहे कि और जल्द ही, है ना, कह रहे कि जल्द ही फॉरगेटन भूल जाएंगे। देखिए एक होता है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, अब फॉरगेटन इसको लिया जाता है एडजेक्टिव की तरह, है ना, तो कह रहे कि इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको भुला दिया जाएगा, है ना, कब, फेयर वेदर में, जब अच्छा मौसम हो जाएगा तो सब लोग भूल जाएंगे कि कोई लोग मरे भी थे, है ना, इसी सिटी में। और कौन सी सिटी में, दैट प्राइड्स, जो कि अपने आप पर क्या करता है, गर्व करता है ना, घमंड करता है किस बात का, इट्सेल्फ ऑन इट्स एंटरप्राइज़ की, यहाँ पर उद्यम वगैरह जो है, बिजनेस वगैरह खूब चलता है, और रेजिलियंस है ना, तो ये रेजिलियंस प्रतिरोधक क्षमता है इसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि इसके ऊपर उसको घमंड है, विश्वास है, जो भी आप कह लें पॉजिटिव नेगेटिव में, है ना, तो ये लोग जाएंगे भूल कुछ दिनों के बाद, तो ये बात सही भी है कि भूल जाएंगे, है ना, कि लोग मरे भी थे, लैंडस्लाइड भी आई थी, बाढ़ भी आई थी, इतना खो जाएंगे। द मानसून मेलेडी, मेलेडी का मतलब क्या, जो बीमारी है ना, रोग है, जो ये मानसून वाले जो रोग है, पोजेस, पोजेस का मतलब खड़ा करना है, हमारे सामने खड़ा करना है क्या समस्या कोई स्पेशली, है ना, जैसे आप पोज देते तो क्या होते हो, खड़े होते, उसी तरह से पोज यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसा कह रहे कि जो मानसून है हमारे सामने, ये डबल समस्या खड़ा कर दे रहा है, जियोपॉलिटिकल खतरा, जियोपॉलिटिकल खतरा खड़ा कर दे रहा है हमारे सामने, है ना। एडिंग द इकोनॉमिक माइजरी ऑफ द वल्नरेबल, वल्नरेबल जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसी को वल्नरेबल बोलते हैं ना, जो कमज़ोर तबका है उसको बोलते हैं। कह रहे कि इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, माजरी है ना, उसी में क्या वल्नरेबल की, हु लिव इन हॉवेल्स, हॉवेल्स का मतलब झोपड़ पट्टियों में रहते हैं, सब अर्बन में, है ना, लैंडस्लाइड्स प्रोन लोकेशंस, कहाँ पर रहते हैं, लैंडस्लाइड्स प्रोन लोकेशन, प्रोन लोकेशन का मतलब उस लोकेशन में जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर रहते हैं, है ना, तो ये प्रॉब्लम है क्या, कि उनकी और ज़्यादा समस्या बढ़ा दे रहा है ना, आगे देखते हैं। करें सच डायर कंडीशंस, डायर गंभीर, है ना, इस तरह की जो गंभीर स्थितियाँ हैं, स्टैंड खड़ी होती हैं कहाँ, इन कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास में, कहाँ, महाराष्ट्र के, है ना, कीन डिज़ायर टू कीप मुंबई एज ए कंट्रीज प्री एमिनेंट फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस, है ना, तो कह रहे हैं कि ये जो समस्या खड़ी होती है ना, ये एक विरोधाभास हो जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई अपने आप को क्या मानता है, एक मान के चलता है प्री एमिनेंट, एकदम प्रख्यात फाइनेंशियल मेट्रोपोलिटन सिटी मानता है, मतलब कि ये जैसे इंडिया को क्या, इंडिया के जो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, किसको मानते हैं, किसको, मुंबई को मानते हैं, महाराष्ट्र को मानते हैं ना, तो कहने का मतलब है ये बात विरोधाभास वाली हो जाती है, क्यों हो जाती है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, ये इंडिया की क्या है, कैपिटल मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल है ना, और वहीं दूसरी तरफ क्या, यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, तो क्या हो जाता है, विरोधाभास जैसा खड़ा हो जाता है ना। आगे देखते, सच आगे बोला जा रहा है, लिमिटेशंस इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी संरचना जो है ना, मतलब कि जो आधारभूत संरचना जो है, वो अकोमोडेट इंटेंस मानसून, है ना, टू अकोमोडेट इंटेंस मानसून, कि अकोमोडेट का मतलब अपने आप में सम्मिलित कर लेना, समाहित कर लेना, है ना, या अपने हिसाब से ढाल लेना, इंटेंस मानसून मतलब कि इसकी जो ऐसे घर, ड्रेनेज नालियाँ, सिस्टम जो बनाया गया है, तो जो बहुत अगर बारिश हो तो उसको अपने आप में अकोमोडेट कर पाए, समाहित कर पाए, अच्छे से मैनेज कर पाए, है ना, एंड इट्स नोटोरियस इनएबिलिटी, है ना, कि ये इसमें ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, कौन, मुंबई, है ना, और करें कि जिसकी जो नोटोरियस का मतलब कुख्यात, इनएबिलिटी, असमर्थता है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने में क्या, अफोर्डेबल इनर सिटी, है ना, हाउसिंग, कि इनर सिटी मतलब शहर के अंदर ये हाउसिंग प्रोवाइड करा दें, घर सबको प्रोवाइड करा दें, अफोर्डेबल मतलब अच्छी कीमतों पर, ज़्यादा महंगा ना पड़े, है ना, कि अफोर्ड कर पाएँ, किसको, टू द लेस अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का, अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, जो कम अमीर लोग हैं उनको, है ना, इवन इन द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को, आर मेकिंग अदर सिटीज़ लुक मोर अट्रैक्टिव, और ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, आर मेकिंग अदर सिटीज़ लुक मोर अट्रैक्टिव, मुंबई से कहीं ज़्यादा दूसरी सिटीज़ इससे अच्छी बन रही हैं, कहने का मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि जो मुंबई कहता है कि अगर सब कुछ, मुंबई सबको घर प्रोवाइड करा दे, सब कुछ रहने के लिए चीज़ें हों, तो ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोवाइड ना कराने की वजह से बाकी सिटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जा रही हैं, ये कंपैरिजन करके राइटर बता रहा है ना। आगे चलते हैं,
आगे बोला गया कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, है ना, कैटास्ट्रॉफिक बहुत ही जो समस्या उत्पन्न करने वाली, है ना, हमारे सामने या आपदा उत्पन्न करने वाली, डरा देने वाली जो फ्लड आई है, कहाँ, मुंबई में, चेन्नई में आई थी, है ना, 2005 और 15 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः जो पहले आए उसको पहले के साथ करेंगे, मतलब कि मुंबई आई 2005 में, चेन्नई में आया 2015 में, जो बारिश आई है ना, वो क्या है, रिजल्टेड, उसका परिणाम क्या निकला कि द इमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट प्लान ड्रॉन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड, है ना, कि मतलब कि जो 2005 में मुंबई में बाढ़ आई, 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई, ये इसका परिणाम ये हुआ कि इमरजेंस उभर करके आया, क्या, मैनेजमेंट प्लान, है ना, एक मैनेजमेंट प्लान ड्रॉन बनाया गया, किसके द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, है ना, और लेटर बाद में क्या हुआ था, फर्स्ट डेडिकेटेड, मतलब कि फर्स्ट डेडिकेटेड, मुंबई की बात करें, डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनुअल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। तो ये सब इन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट वाले ने डेडिकेट कर दिया, क्या, है ना, कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनुअल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को। बट सच इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, कैन बी स्कड्यूल्ड, है ना, कि ये मतलब कह रहे कि मुंबई में किया तो गया है, महाराष्ट्र में किया तो गया है चीज़ें, लेकिन जो भी किया गया है ना, जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, पहले हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कैन बी लिटिल, है ना, इन्होंने आ लिटिल नहीं लिखा, ना तो दा लिखा, लिटिल लिखा, लिटिल का मतलब ना के बराबर, आप लिटिल को ना से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, कि कह रहे कि ये जो इनिशिएटिव्स पहल ली गई हैं, प्रोग्राम चलाए गए, कार्यक्रम चलाए गए, ये बहुत ही ना के बराबर हैं, है ना, इफ़ स्टेट्स विच हैव बोथ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सिटी अफेयर्स, मतलब कह रहे कि वो राज्य जिसके पास सिटी अफेयर्स के ऊपर अपना कब्जा है, मीन्स उस पावर है, सब कुछ अपने से हैंडल करता है, वो ये सब नहीं कर पा रहे, है ना, डू नॉट फील कॉम्पेल्ड टू एड्रेस द चैलेंज पोस्ड बाय द अर्बनाइजेशन, है ना, आई डू नॉट फील, मतलब कि ये महसूस नहीं करते हैं, कॉम्पेल्ड का मतलब क्या है कि उत्तेजित, है ना, कि इनको मतलब चिंता ही नहीं होती है कि एड्रेस करें, एड्रेस का मतलब हल करना, क्या जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं, किसकी, खड़ी हो जा रही है अर्बनाइजेशन से, मतलब लोग जाके वहाँ पर बस जा रहे हैं नगरीकरण के द्वारा, है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हुई, घर बहुत ज़्यादा बन गए, नालियाँ नाली बने नहीं हैं, तो इस वजह से जो समस्या खड़ी हो जा रही है उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। आगे बता रहे, इनफैक्ट वास्तव में, है ना, कि जो मुंबई की क्या है, इनएबिलिटी है टू मैनेज अ रिकरेंट फ्लड, है ना, फ्लड को मैनेज नहीं कर पा रहा है, नीड्स ऑफ अ मैसिव स्लम पॉपुलेशन, हाँ, मैसिव स्लम पॉपुलेशन वॉज हाईलाइटेड बाई फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अपॉइंटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, आफ्टर 2005 डेलज, है ना, डेलज का मतलब वही बाढ़, 2005 में जो बाढ़ आई उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और मतलब फैक्ट वगैरह निकाले गए, है ना, विद कॉल्स टू लिबरेट द सिटीज रिवर्स, है ना, और क्या बोला गया कि जो लिबरेट कर दें, मतलब क्या है, फ्री कर दें हम किसको, जो सिटी की किसको, रिवर्स को, है ना, और लेक्स जो कहें झील है उनको, फ्रॉम वेरियस इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स कई सारी बाधाओं से, मतलब वहाँ पे पानी भर जाना, जो अंदर कीड़ा कूड़ा कर कच्चे, मतलब नदियाँ जो उथली हो गई उनको सही करना, भाई जब नदियाँ गहरी रहेंगी तभी तो पानी को कंटेन कर पाएंगी, अपने आप को धारण कर पाएंगी, जब पहले से ही भरी हुई है, कीचड़ कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो पानी कहाँ से अपने आप में लेके जाएंगी, सूख ही नहीं पाएंगी, तो उस वजह से और बाढ़ आ रही है ना। इनेबल पेरिनियल फ्लो इन द मीन्स मिथी रिवर, है ना, और कह रहे हैं जो हम इनेबल करें मिथी रिवर में पानी बहता रहे, है ना, काफ़ी लंबे समय तक, क्रिएट फ्रेश होल्डिंग लेक्स फॉर एक्सेस वाटर, कह रहे हैं कि जो एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जा रहा है उसके लिए लेक्स का बनाया जाए, है ना, और रिहेबिलिटेट, और उनको शरण दी जाए, मतलब रहने के लिए जगह दी जाए, दोज हु लिव इन रिस्की लोकेशंस, और जो रिस्की लोकेशंस में रहते हैं, जहाँ पर खतरा रहता है वहाँ पर रुकते हैं, उनको लोकेशन दी जाए, देयर इज अ नीड टू क्लियर द एयर, क्लियर द एयर का मतलब समस्या को हल करना, मतलब ज़रूरत है कि समस्या को हल किया जाए, फॉलो अप द दीज एंड अदर एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशंस, मतलब इसको फॉलो करें जो राइटर ने बताया, और रिकमेंडेशन जो एक्सपर्ट्स देते हैं उनको फॉलो करें, है ना। आगे बता रहे, विच द स्टेट कैन डू थ्रू अ वाइट पेपर, वाइट पेपर का मतलब होता है ऑफिशियली ये सब कर सकता है ना। मुंबई इज नेगलेक्ट इज नॉट यूनिक, कह रहे कि मुंबई बार बार इसको नेगलेक्ट कर देगा, अनदेखा कर देता है, कोई यूनिक नहीं, इसमें अद्वितीय नहीं है, ये हर बार होता है ना। दो यद्यपि द मोस्ट बिग सिटीज आर, है ना, एमॉर्फसली एक्सपेंडिंग टू द सबर्ब्स, मतलब कि कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अपने जो सबर्ब्स हैं, सबर्ब्स का मतलब जो जहाँ पर शहर ख़त्म होने लगता है, जो आखिरी किनारा बचने लगता है, जो आउटस्कर्ट्स है ना,
वो एमॉर्फसली मतलब आकारहीन तरीके से सब अपने क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर एबसेंट है, वहाँ मतलब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। और कह रहे हैं एंड लेक्स एंड रिवर्स आर हैवली इनक्रोस्ड, जो लेक हैं नदियाँ हैं इनको हैवली क्या इनक्रोज, इनका अतिक्रमण हुआ है, लोग यहाँ इनके किनारे जा कर के मीन्स अंदर जा कर के घर बना रहे हैं ना उनके पास में, जो कि अतिक्रमण हो जा रहा है। ऑफन विद पोलिटिकल सपोर्ट, और कैसे पोलिटिकल सपोर्ट से, है ना। मान लो कि जैसे समुद्र के किनारे थोड़ा सा जगह छोड़ देनी चाहिए, है ना, तो लेकिन अब वो क्या करें पास में जाके बस जा रहे हैं, तो और भी समस्या खड़ी हो जा रही है। सच प्लान्ड ग्रोथ, है ना, सॉरी सच अनप्लान्ड ग्रोथ, कह रहे कि इस तरह की जो अनप्लान्ड है, जो ग्रोथ है, विकास है ना, मतलब पहले से जो निर्धारित नहीं है, विद नो डिफेंस अगेंस्ट वेदर डिजास्टर, मतलब मौसम से लड़ने के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है उनके पास, है ना। इज लिविंग सिटीज अलॉट पोरर, और ये सिटियों जो शहर हैं उनको क्या छोड़ दे रहा है, गरीब की तरह छोड़ दे रहा है, और भी गरीब उनको बना दे रहा है। तो सही बात है ना कि आप नए नए कंस्ट्रक्शंस करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप ड्रेनेज सिस्टम, बाढ़ कैसे आएगी, तूफान कैसे आएगा, इन सब से निपटने के लिए आप कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, तो मीन्स आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने आज बाढ़ के बारे में देखा, मुंबई की सिचुएशन कैसी है उसके बारे में, है ना। तो चलिए आज यहीं पर करते हैं ख़त्म, एंड आई होप कि आपको बहुत सारे वोकैब्स आपको जानने को मिले होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।